और अभी बज रहा है 7 और हम लोग आए हैं घूम के 3:30 बजे। तो 3:30 बजे से 4 बजे से सोए हैं, तो अभी उठे हैं, चाय वाय पिए हैं और बस सोच रही हूँ खाना बना लूँ। प्यारी काव्या देखो, प्यारी काव्या मोबाइल देख रही है। दादू पानी गमले में पानी डाल रहा है, क्योंकि ना अभी बहुत ज़्यादा धूप थी तो सब पौधे सूख गए हैं इसीलिए। दादू दादू देखो काम कर रहे हो। मैं करूँ, इसको बहुत शौक है पानी डालने का पौधे में। ये दोनों भाई बहन लड़ने लगते हैं जब मैं गमले में पानी डालने लगाऊंगी पाइप, तो दोनों भाई बहन लड़ते हैं और लड़ लड़। और मैं बना रही हूँ चने की सब्जी, काले चने होते हैं ना उसके, तो वो मैंने उबाल के रखी थी, कल ही उबाल के रख दी थी। तो सुबह चले गए हम लोग घूमने तो खाना ही नहीं बना, और चावल तो मैं बना ली थी दाल चावल, तो इन लोग बच्चे लोग खाए ही नहीं, नाश्ता कर लिए थे तो भूखे नहीं लगी, तो फिर हम लोग भी नहीं खाए। तो अभी मैं सब्जी बना रही हूँ, चावल तो रखा हुआ ही है और साथ में पराठे बना लूँगी सोच रही हूँ। तो ये लोग जो खाएंगे ना वो रोटी पराठा पूड़ी, तो जो खाएंगे वो बना दूँगी।
और सब्जी बन गई है, आटा गूंथ के हो गया है, रोटी बनाना है। तो यहाँ काव्या को बहुत घमोरी हो गई थी आज, पसीना भी आया बहुत, और ये रूम में कुछ ज़्यादा ही गर्मी रहती है, और ये लोग ना इधर टीवी चलता रहता है तो इधर ही अपना खेलते कूदते रहते हैं। हालांकि कूलर चलाते हैं हम लोग, पर कूलर से उतना ठंडा नहीं हो पाता है, पर अभी फ़िलहाल तो चलाना पड़ेगा ही। तो ये दोनों को घमोरी हो गई तो मैं पाउडर लगा रही हूँ, नाइसिल पाउडर नहीं है, यही पाउडर लगा रही हूँ। और इधर बस मैं रोटी बनाने ही जा रही थी कि वो चिल्लाने लगी कि मम्मी मेरी पीठ खुजा रही है, मम्मी खुजा रहा है। तो जब देखी ना तो इसको इतनी घमोरी घमोरी हो गई बाबा कि एकदम अजीब सा लगने लगा, एकदम ऐसा लगा कि अब मैं कभी इतने धूप में नहीं घूमने ले जाऊंगी अपने बच्चों को। और यहाँ पराठे ही बना दे रही हूँ क्योंकि मैं भी पराठा खा लेती हूँ, दादू भी खा लेता है, और इसके पापा बोले कि मैं रोटी खाऊँगा तो उनके लिए रोटी बनाना पड़ा, इसीलिए फिर मैंने कढ़ाई में तेल नहीं डाला, नहीं तो उनके लिए फिर रोटी बनाना ही पड़ता, वो ऐसा ऑयली नहीं खाते हैं ज़्यादा। और ये ऐसे तीन कोने वाला बनाओ ना तो बड़ा अच्छा सॉफ्ट बनता है, बहुत ऐसे परत परत निकलती तो बच्चों को और ज़्यादा खाने का मन करता है, वो लोग ऐसे परत निकाल निकाल के खाते हैं। और काव्या को तो कोई भी दाने वाली सब्जी दे दो बहुत अच्छी लगती है, दाने दाने के साथ खा लेती है, दाना आलू उसको बहुत ज़्यादा। मैंने 2-3 बार चने भिंगाई चना चटपटी बनाने के लिए नाश्ते में, पर ऐसा हुआ ना कि नाश्ता खाने का हम लोग को बिल्कुल टाइम नहीं मिला तो वो चने की सब्जी ही बन गई। 2-3 बार ऐसा हो गया है मेरे साथ। तो आज भी कल भी सोची थी कि चना उबाल के रख देती हूँ, चना चटपटी बना लूँगी नाश्ते में, तो ऐसा सुबह अचानक से प्लान बन गया जाने का, तो सुबह फिर खाने का टाइम ही नहीं मिल पाया। फिर अभी आने के बाद फिर सब्जी काटने से अच्छा था कि 1-2 प्याज काट के पीस के जल्दी से बन गई चने की सब्जी, मतलब सब तैयार रहता है ना तो जल्दी बन जाता है, और जो दूसरी सब्जी है तो फिर उसको काटो पीटो तो टाइम लगता है। तो देखिए हमारा रोटी पराठा सब बन गया है, और ये थोड़ा सा किचन गंदा हो गया, उसको साफ़ करूँगी तभी खाना खाएंगे, थोड़ा इत्मीनान से खाएंगे क्योंकि इधर रोटी वोटी बनाओ ना तो थोड़ा ऐसा लगता है कि आधा घंटा बैठ जाए। और ये सुबह का है, मैं फूल तोड़ रही हूँ पूजा करने के लिए, और अभी और पानी डाली है काव्या ने पेड़ पौधे में, और ना फूल बहुत अच्छे निकल जाते हैं पूजा करने के लिए, 2-4 इधर उधर जाना नहीं पड़ता है। और ये देखो इधर ये स्टूल को पेंट करे हैं तो ये धूप में सूख रहे हैं अभी। क्या कर रहा है मेरा बच्चा धूप में? चॉकलेट दिखाओ दिखाओ, कहाँ है? खत्म हो गई। ओह माय गॉड, काव्या चॉकलेट खा रही है। और अभी बज रहा है 11 सुबह का, मेरे हाथ में कुमकुम लगा है, पूजा की हूँ तो अभी जस्ट पूजा की हूँ, और ये यहाँ पे खड़ी होके काव्या को देख रही हूँ क्योंकि ये ना मट्टी खाने में लगी हुई थी, बस एक बार मैंने इसको देखी तो ऐसा मुंह छुपा ली उसने, और अब मैं सोच रही हूँ ना कि ये पकड़ा जाए तो इसको डांटूंगी जरूर। हाँ हाँ हाँ, देख रही हूँ। मट्टी खाने गई थी? हाँ, तो मट्टी खाई चॉकलेट खाने के बाद? मट्टी खाई? सही में नहीं खाई? सही में खाएगी मट्टी? हाँ नहीं खाई मेरी बेटी ने, चॉकलेट खाई थी ना बेटी? गधा। बाय बाय बाय। और मैं रख रही हूँ चाय सुबह की, मतलब दूसरे बार की, एक बार तो पी लिए हम लोग, जब उठते हैं ना तो सुबह चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर काम करते हैं, फिर नहा धो के एक बार और चाय पीते हैं। और ये देखिए ये पूरे जो बॉक्स थे वो मैंने पूरे भर दिए हैं, 1-2 खाली हैं छोटे वाले, और ये जो बड़े वाले हैं ना तो
ये ऐसा वाला खाली है, तो इसमें ऑयल वाला है ये, तो इसमें जब हम ऑयल रखेंगे ना तो ये यहाँ से गिरेगा, फिर ये पूरा निशान बन जाएगा, तो थोड़ा अजीब लगता है, गंदा सा। और ये इसका ढक्कन भी ना उतना अच्छे से जमा नहीं रहता, इसलिए मैं सोच रही हूँ इसमें तेल ना रखूँ, कोई भी दूसरा सामान कुछ भी रख दूँ। और काव्या और दादू के लिए अच्छा हो गया, जो भी खाना रहता है अपना निकाल के खा लेते हैं, पहले मंगना पड़ता था, इसीलिए जरूरी था जैसे थोड़ा थोड़ा निकाल के रख दो, और ऊपर डब्बे में रखो ना तो उनका हाथ फुरता नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा निकाल के रख दो, जो भी जैसे मखाना खाना खाते रहते हैं तो अपना निकाल लेते हैं, दोपहर में खा लेते हैं, किसी की जरूरत नहीं पड़ती उन लोगों को। और चाय में एक कप रखूं या 10 कप रखूं, हमेशा कप से गिन कर ही रखती हूँ, तभी चाय ढंग की बनती, नहीं तो फिर बिल्कुल अच्छी नहीं बनती है। और इधर पे दादू के पापा गेहूँ निकाले हैं टंकी से ऊपर सुखाने के लिए, अभी अच्छी धूप निकल गई ना तो एक आध दिन सुखा देंगे तो अच्छा रहेगा, तो कीड़े वीड़े नहीं लगते धूप में, अच्छा सुखा दो तो, अभी तो बहुत दिनों बाद अच्छे से धूप निकल रही है। पर अभी मैं जा रही हूँ छत पे, कितने दिनों बाद मैं छत पे जा रही हूँ, हम लोग बहुत कम जाते हैं, जब कोई काम वाम रहता है ना तभी, जैसे पानी में टंकी में पानी नहीं है तो पानी देखने जाओ। और दादू है क्या कर रहा है? मम्मी आ गई, मम्मी आ गई, मम्मी आ गई।